धरती सबकी माँ है हो, ये धरती सबकी माँ है, इससे आन बान और शान है हो। इसके ही बलबूते पर इछलाता हर किसान है। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती है। धन दान देती है ये, बदले में कुछ ना लेती है। सबके जीवन का मूल है हो, सबके जीवन का मूल है। इस धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में, धरती की गोद में। हमारा पैसा ठेकार के आराम से कुर्सी पर पसरे पड़े हो। 5 लाख रुपया और दारू की पेटी किसानों की झोली में गई या तुम्हारे और सरपंच के तोंद में? तिवारी जी, मैं यहां का थानेदार हूं। आप हमारे स्टाफ के सामने आप ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कैसे नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा कर सकता हूं ना। इतना धंद बंद करके, उठा पटक करके पैसा दिया हमने तुमको, और तुम लोगों की बेईमानी की वजह से तीन लोग अंदर घुस गए। जानते हो इसका मतलब? 5 साल तक हम कोनो घपला नहीं कर सकते हैं। जानते हो क्यों? वो लोग ईमानदारी की घुट्टी पिए हुए हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और उनके पीछे कौन बैठा है? उनका बाप शेखर चौधरी। वो हमको करने देगा ऐसा कुछ? करने देगा? बोल, करने देगा? बोल। अब हमारे ऊपर क्यों बिगड़ रहे हैं? मैंने तो कुछ किया नहीं। इसीलिए तो तुमको पीट रहा हूं कि तुमने कुछ नहीं किया। किया उन लोगों ने है। चल चल, निकाल मेरा 5 लाख रुपया और दारू के बोतल। चल निकाल मेरा 5 लाख रुपया। तिवारी जी, सरपंच 5 लाख नहीं 3 लाख रुपया लेकर आया था। 1 लाख उसने मुझे दिया, 1 लाख खुद रखा और 1 लाख किसानों में बांटा। और बांटने के बाद जो दारू की बोतलें बची, कुछ सरपंच ले गया, कुछ मेरे पास पड़े। अगर आप कहें तो एक आध बोतल मैं आपको दे दूं। अरे धत बूढ़ बक कहेगा, वो भी पी ले। जिसे देखो वही हमें लूटने के पीछे पड़ा है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, सरपंच को कहना 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा उसे, और तुझे भी। यार, ये सरपंच मरवा के छोड़ेगा। हाँ बोलो। कैसे हो? अब तुम्हारे बिना कैसे होंगे बताइए। ओहो, आज तो बड़ा खुल के बोल रहे, लगता है आसपास कोई नहीं है। जब तुम मेरे पास होती हो तो आसपास कोई नहीं होता। राधिका, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। लेकिन जब सारे जहां का फोन आ गया तब तुम्हारा फोन आ रहा है। थैंक गॉड। किस लिए? आपके मुंह से शिकायत सुनने के लिए तरस गई थी। लोग शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं, और तुम शिकायत सुनकर थैंक गॉड कर रही हो। अब आप लोगों जैसे नहीं है ना, इसलिए आपकी बात अलग है। खैर, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। कितने सारे लोगों ने अब तक आपको विशिंग दी होगी, इसलिए अब तक बोर हो चुके होंगे आप। तो मैंने सोचा मैं फोन करूं या ना करूं। तुम्हारा फोन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा फोन अब तक क्यों नहीं आया, और ऐसा सोचकर मैंने फोन निकाला ही था
कि मैं तुम्हें खुद फोन करके तुमसे बधाइयां ले लूं, तभी तुम्हारा फोन आ गया। देखा, इसे कहते टेलीपैथी। वो तो है। सोनिया और बांसुरी दोनों का फोन आया था, बहुत तारीफें कर रही थी आपकी। इनफैक्ट सोनिया तो कह रही थी पूरे गांव के हीरो हैं मेरे डैडी। हंस क्यों रहे? हीरो की जो हीरोइन है वो दिल्ली में बैठी है। काश वो भी मेरे साथ होती। मन से तो आपके साथ ही होना। जानता हूँ। बच्चों के साथ दो एक दिन के लिए दिल्ली आ जाइए ना। देखता हूँ। अभी नई नई पंचायत बनी है, शपथ ग्रहण होने वाला है। मेरे दल के 3 सदस्य पहली बार पंचायत कमेटी में पहुंचे हैं। पुराना सरपंच सुकून से इन लोगों को काम करने देगा नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। बाय बाय। अरे यास्मीन, कैसा रहा सब? बहुत अच्छा रहा। हाँ। सबने खूब इज्जत बख्शी, खूब प्यार दिया। अरे वाह, ये लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ले लूंगी। अरे ले लो, थककर आई होगी ना। शुक्रिया। गांव के सभी लोगों ने आपको मुबारकबाद भेजी है, पर हमने आपको अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। दे दीजिए, आपको किसने रोका है? रोक कोई नहीं रहा है बेगम साहिबा, हम तो आपसे इजाजत मांग रहे हैं भाई। हम तो गले लगकर मुबारकबाद देंगे। यास्मीन आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। धरती की गोद में। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। धरती की गोद में। अब लगता है ये घर किसी नेता का है, किसी मामूली किसान उरा का नहीं। यहाँ नहीं नहीं, पहले हम किसान हैं, बाद में कुछ और। बिल्कुल ठीक जस। अब इसी जज्बे के साथ हम लोगों ने किसानों की भलाई का काम किया। शेखर भैया के आने से पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह से चुनाव लड़ूंगी और जीत जाऊंगी। अब तो हमारे गांव में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तुम्हें मालूम है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मुबारकबाद भेजी है और सब बहुत खुश है कि हमारे 3 उम्मीदवार जीत गए। बेगम साहिबा भाई, अब तो हमें भी आपका हुक्म मानना पड़ेगा। पंचायत की मेंबर जो ठहरी भाई। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। जी लाइए लाइए। हमरा पिया घर आजा ओ राम जी, हमरा पिया घर आजा ओ राम जी। आते होंगे जीत की खुशी के समाचार लेकर, अभी वो आते होंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं उनकी आरती उतारूंगी, गांव सारे में मिठाई बांटूंगी। आज मेरे पिया जीत पी कर आएंगे। क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते काहे नहीं? मेरा मतलब है, क्या हुआ लालचंद से ऐसे बेहाल चंद काहे हो गए? मतलब घर से गए तभी तो ऐसे साफ सुथरे थे, ऐसे फटे पुराने हालत में काहे लौटे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। जीत की खुशी में गांव वालों ने आपकी परेड निकाली होगी, अपने कंधे पे बिठाया होगा, उछाला होगा कैच करने से पहले। अब गिर गए होंगे, ऐसे शरीर से थोड़े भारी है ना आप। ऐसा ही हुआ था ना, बोलिए ना भक्ति के बापू, ऐसा ही हुआ था ना। कहाँ गई आपकी शक्ति? आहा, क्या खूबसूरत नजारा रहा होगा, काश मैं भी होती वहाँ देखने के लिए। अरे बेवकूफ औरत। वो कौन है? अरे तुम्हारी बात करे बेवकूफ औरत, उस ससुरे तिवारी ने हमें धूना, थप्पड़ में थप्पड़ मारे हैं हमें, सबके सामने लातों से पीटा है। अच्छा हुआ। हाँ? अच्छा। अरे कहाँ अच्छा हुआ है तुम्हें पता है? कहाँ? इलेक्शन के अंदर
कोई बल्लू, यास्मीन और रूपा जीत गए। अब तू हाय हूँ करना बंद कर दो तुम। अरे ससुरे के दो चार लाख रुपए क्या खा लिए, तो कहा ऐसी बेइज्जती करेगा हमारी? छोड़ेंगे नहीं, देख लेना, इस अपमान का ऐसा बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि गांव भर में कोई थूकेगा नहीं उसके मुंह पर। नहीं 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 भक्ति के बापू, आप ऐसा कछु नहीं करेंगे। अरे जरा सोचिए, तिवारी जी की कृपा की वजह से तो हमारा पूरा घर धन दौलत से भरा पड़ा है, अनाज के गोदाम अनाजों से भरे पड़े हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये देख रहे, ये जो मैं गहनों से लदी हुई खूबसूरत दिखती हूँ ना, ये भी तिवारी जी की बदौलत ही है। अरे तो कल लातों से पीटेगा हमें। गधा दुलत्ती मार दे तो भी क्या हम उसे पालना छोड़ देते हैं का? नहीं ना। अरे भक्ति के बापू, बचपन में आपके गुरुजी आपकी पीठ पर ईटा रखकर मुर्गा बनाते थे, तो का आपने पढ़ना छोड़ दिए का? नहीं ना। फिर अरे हमार कुत्ता उसे हम चाहे कितना भी तुच्छकार दे पर अपना द्वार छोड़कर जाता है का? नहीं ना। मैं तो कहती हूँ भक्ति के बापू कि एक का तिवारी जी ऐसे दो चार थप्पड़ भी लगा देना तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। बस इनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहनी चाहिए। कैसे टुकर टुकर देख रहे हैं? अब चलिए। मेरा मतलब है चलिए अंदर, मैं आपको सेक देती हूँ, आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा ना। चलिए। अरे अरे आ, आ, आ। पैर भी तोड़ दिया है। पैर भी तोड़ दिया, पैर क्यों छोड़ दिया? आइए आइए। रूपा चल जल्दी से खा ले। भैया को आ जाने देती भाभी, सब साथ में बैठ के खा लेते। तेरे भैया नूरा भाई के यहाँ गए, उन्हें आने में देर हो जाएगी। अरे वाह, हलवा, पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, इतना सब क्यों बना दिया भाभी? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। क्यों त्योहार क्यों नहीं है? आज तो हमारे घर में विजय उत्सव है। विजय उत्सव? हाँ, तू जीती है ना तो हो गया विजय उत्सव। चल अब जल्दी से खा। बिल्कुल, पहले आप। अरे अब तू भी खा। बहुत अच्छा बना है। रूपा, जुलूस के दौरान और जीतने की खुशी में जब हार पहनाए जा रहे थे और मिठाइयां बट रही थी, तब मैंने देखा कि विक्रम तुझसे हंस हंस के बातें कर रहा था। हाँ भाभी, मेरे चुनाव में खड़े होने से उसे बहुत खुशी। सिर्फ यही बात थी या कुछ और भी? मुझे तो ऐसा ही लगा कि किसी के मन में क्या चल रहा है आप कैसे बता सकते हो? मुझे तो उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दिया। अब मैं क्या करूं भाभी? आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना, पर उसे बढ़ावा भी मत देना। भाभी, आपको लगता है कि मैं विक्रम को बढ़ावा दूंगी? एक बार अगर हमारे मन में किसी के लिए ऐसी भावनाएं पनप जाती हैं तो वो आसानी से जाती नहीं। फिर दिल पर पत्थर रख के किसी भी वजह से अगर हम उन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो हवा के एक झोंके से वो भावनाएं फिर से पनपने लगती हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हवा का ऐसा कोई भी झोंका मुझे छूकर बिना गुजरे। ईश्वर तुझे शक्ति दे। रूपा, अब तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अगर किसी भी कारण से तेरा मन डगमगाने लगे तो वो तुझे सही रास्ता दिखाए। धरती की गोद में हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़,
खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। धरती की गोद में क्या कर रही हो? मैं ये अपने कुछ फ्रेंड्स को रिप्लाई कर रही हूँ। वो एक्चुअली जब से मैं यहाँ आई हूँ ना गांव में, तो वो चुनाव के चक्कर में इतनी बिजी हो गई हूँ कि किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती, तो फ्रेंड्स थोड़े से परेशान हो रहे थे। सोनिया कहाँ गई तुम, रिप्लाई क्यों नहीं करती हो? तो वही कर रही थी। एक्चुअली ना फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाओ तो हंगामा मचा देते हैं। ये तो है। अच्छा सोनिया एक बात बताओ कि तुम यहाँ गांव में आकर कहीं बोर तो नहीं हो गई ना? बोर क्यों होंगे? नहीं आई मीन एक्चुअली तुम्हारी दिल्ली में इतना कुछ है टाइम पास करने के लिए, कैफे है, मॉल है, सिनेमा हॉल्स है, तो इसीलिए। वाह ये तुम्हारी दिल्ली क्या होता है? दिल्ली में तो अब तुम भी रहती हो, तो दिल्ली तो तुम्हारी भी हुई। और क्या हुआ अगर वहां पे मॉल्स है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है? यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ इतनी हरियाली है, फ्रेश एयर है, और घर में ना खुद की गाय है जिसका ताजा ताजा दूध मिलता है। ताई जी है, ताऊ जी है, डैडी है, फोर फादर्स की इतनी ब्यूटीफुल हवेली है, मैं बोर कैसे हो सकती हूँ? तो इसका मतलब ये है कि अब तुम दिल्ली वापस नहीं जाने वाली हो, यहीं रहने वाली हो, राइट? रॉन्ग। सी आनंदपुर अच्छा है, बट इतना भी नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ जाऊँ। हाँ इतना है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहूंगी। पता है तुम्हारी इस बात पर ना मुझे माँ की कही हुई एक कहावत याद आ रही है। क्या? यही कि छिट भी मेरी, पट भी मेरी, और जो सिक्का खड़ा रह जाए वो भी मेरा। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, बट जो भी था बहुत फनी था। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम टॉस करने के लिए सिक्का उछालते हैं ना, तो अगर हेड जाए तो वो भी मेरा, टेल जाए वो भी मेरा, और सिक्के जिस पॉकेट में रखे हुए ना वो पॉकेट भी मेरी। स्मार्ट गर्ल हाँ। एक मिनट। हेलो। हाँ कहाँ हो बांसुरी? आप कौन बोल रहे हैं? आप? अरे मैं बोल रहा हूँ अनिल, कॉलेज से, अनिल गुप्ता। मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? आप कौन है, किसका फोन है? अरे वो एक कॉलेज वाला लड़का अनिल। हेलो बांसुरी। हाँ बोल रही हूँ। तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? पता है मैं तुम्हारा रोज वेट करता हूँ कॉलेज में। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? भूल गई क्या, उस दिन कॉरिडोर में जब तुम्हारा मोबाइल गिर गया था और मैंने तुम्हें लौटाया था, बस उसी वक्त मैंने तुम्हारे फोन से खुद को डायल किया और तुम्हारा नंबर सेव कर लिया। अरे वाह तुम तो बड़े चालाक हो। इसे चालाकी नहीं, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कॉलेज कब से आ रही हो? तुम्हारे बिना कॉलेज में मन ही नहीं लगता। तुम कल से आ रही हो ना कॉलेज? देखो अनिल मैं कॉलेज आऊं या ना आऊं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सुनो दोबारा तुम मुझे फोन मत करना। ये लड़का तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने तो तुझे पहले ही वॉर्न किया था, तुम्हारी ही गलती है। क्यों गई थी उसे सॉरी बोलने? हाँ गलती तो मेरी ही है, लेकिन अब इस गलती को सुधारूंगी भी मैं ही। इस चुनाव ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया है। जानते बोलू भाई, जब शेखर भाई ने फैसला किया कि वो अपने कुछ लोगों को चुनाव में खड़ा करेंगे, तो सभी लोगों को लगा था कि शेखर भाई ने गलत फैसला ले लिया, मगर देखो उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। गिनती के 4 लोग उतारे थे मैदान में से, और देखो उसमें से भी आप 3 लोग जीत गए। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जीता। मैं ठहरा औंधी खोपड़ी, बात बात में मेरा हाथ छूट जाता है। गांव और आसपास के आधे से ज्यादा लोगों को पीट चुका हूं मैं, फिर मैं कैसे जीत गया?
अरे शेखर भैया की वजह से, वो तो लालचंद पता नहीं किस तरह से कुछ तिगड़म करके सरपंच की कुर्सी में 23 वोटों से जीत गया, वरना इस चुनाव में इन शैतानों का सूपड़ा साफ हो जाता। ठीक कह रहे हो भिकू भाई, सरपंच और उसके साथियों की हवा ढीली हो गई थी। हाँ, और मैंने तो घूम घूम के कई लोगों से बात की थी, मुझे तो पहले से ही पता था कि शेखर भैया की ऐसी हवा चल रही थी कि वो इंसान क्या किसी लट्ठे को भी खड़ा कर देते तो वो भी चुनाव जीत जाता। लट्ठा ही तो हूं मैं, और देखो शेखर भैया का प्रताप मुझ जैसे बैल बुद्धि को भी जितवा दिया। सच कह रहा हूं, मुझे तो अपने लिए बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो मैं चुनाव जीत गया, और जीते भी अच्छे वोटों से। भीगू भाई। हाँ बोलो। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं। हैं? और नाचूं नहीं, जोर जोर से गाने भी गाऊं। अरे वाह, तो गाओ, किसने रोका है? पक्का? अरे कच्चा पक्का क्या, मन है तो नाचो गाओ। बरखा फुहार झूमे झम 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 रामा झम 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 खेतवा में हल चले हल 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 रामा हल 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 बरखा फुहार झूमे झूम झूम रामा झम 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 मजा धरती की गोद में।